पंजाब का आइंदा माली साल का 5,440 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज। कम अज कम तजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी गई। रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती बजट का हुजम 842 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 69 अरब 74 करोड़। सेहत के लिए 539 अरब रुपए मुकर्रर। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम लगाकर देने का ऐलान। बिजली तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज, शोर शराबा, बजट की कॉपियां फाड़ दी। हत्या के असद बिल मंजूर करने के खिलाफ सहाफियों का पंजाब असेंबली इजलास का बॉयकॉट। सूबाई बजट में स्कूल एजुकेशन के लिए 42 अरब 50 करोड़ रुपए, हायर एजुकेशन के लिए 17 अरब रुपए की रकम मुख्तस। 2 अरब 50 करोड़ की रकम दानिश स्कूल्स के लिए रखी गई। हर जिले में दानिश स्कूल के क्याम का ऐलान। पंजाब एंडोनमेंट फंड्स की रकम बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई। 10 अरब रुपए की लागत से लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है। पंजाब के बजट में किसानों के लिए रिलीफ। पंजाब किसान कार्ड के जरिए बिला सूद कर्ज फराहमी की तजवीज। 30 अरब से चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर स्कीम, 9 अरब से ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोग्राम लॉन्च करने का ऐलान। पंजाब भर में 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। जराई आलात के लिए 26 अरब, किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपये मुख्तस। सोशल प्रोटेक्शन के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस। 49 अरब की लागत से पंजाब के 5 बड़े शहरों में माहौल दोस्त बस सर्विस का आगाज। 45 करोड़ रुपए की लागत से एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया जाएगा। 2 अरब की लागत से माजूर लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का इजरा। और पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। वजीर खजाना मुश्तबा शजाल रहमान कहते हैं 9.5 अरब की लागत से रोशन घराना प्रोग्राम का इजरा किया जाएगा। 296 अरब रुपए की लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली की जाएगी।